सावन शुरू होने के बाद दिवाली तक त्योहार ही त्योहार हैं, तो अभी जो वक्त है उसे ठीक से अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। इसीलिए अब मैं आपको राशि के हिसाब से शुभ और अशुभ की जानकारी देने जा रही हूँ। बचे हुए साल में कुछ अशुभ के संकेत मिल रहे हैं, तो शिव जी कौन सा उपाय अगर आप उनका करते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, अब वो जान लीजिए। मेष राशि के भक्तों के लिए पारिवारिक विवाद बढ़ सकते हैं, संपत्ति से जुड़ी कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। मेष राशि के भक्तों को ओम नमः शिवाय की 3 माला का जाप डेली करना चाहिए। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए बचा हुआ आधा साल आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका फेम बढ़ेगा, आपको सक्सेस मिलेगी, बचे हुए साल में भगवान शंकर की कृपा होगी। मिथुन राशि के लोगों के लिए बचा हुआ जो आधा साल है वो न्यूट्रल रहेगा। आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सोमवार को भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करें, पंचमुखी दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय की 11 माला का जाप करें। कर्क राशि के लोगों के लिए बचा हुआ आधा साल शुभ है, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, गुस्सा आपका नुकसान कर सकता है, इससे आपको बचना है। रुद्राष्टक का 3 बार पाठ करें। सिंह राशि के लोग लियोस, आप लोगों का थोड़ा स्ट्रगल बढ़ेगा, अनचाहे खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें, सब कुछ पेन डाउन करें, पेपर पर काम करें। रुद्राक्ष की माला से शिव गायत्री का पाठ करें। वर्गोस कन्या राशि के लोग, बचा हुआ साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे, कामों में सफलता मिलेगी, ओम नमः शिवाय की 1 माला का जाप डेली किया करें। तुला राशि के लिए सब शुभ है, करियर में उन्नति होगी, प्रतिष्ठा मिलेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए बचा हुआ साल अच्छा है, धर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, करियर में सफलता मिलेगी। धनु राशि वालों के लिए बचे हुए साल में संघर्ष होने वाला है, कोई बात नहीं, ये संघर्ष आपको कुछ अच्छा ही देकर जाएगा, बस अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखिएगा और गाड़ी को बेहद सावधानी से चलाइएगा। महामृत्युंजय मंत्र की 3 माला का जाप कीजिए और साथ साथ रुद्र अभिषेक भी करवाइए। मकर राशि वालों के लिए बचा हुआ साल ठीक ठीक रहेगा, मैरिड लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, शिव गायत्री का 5 बार पाठ करें। कुंभ राशि के शिव भक्तों को विरोधियों पर विजय मिलेगी, मुकाबले में आगे रहेंगे, सभी काम पूरे होंगे। मीन राशि वालों के लिए बचा हुआ साल नॉर्मल बीतेगा, संतान पक्ष से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं रहेंगी लेकिन समाधान हो जाएगा, शिव मंदिर में दर्शन को जाते रहें।